सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीरङ्गर्वा तेजस्विना धीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम व्रतानां व्रतपते

Om Shanti Shanti, shanti. वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का सत्तरवां सर्ग हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जब श्री भरत जी श्री राम के पास सबसे पहले श्री राम के वन गमन के पश्चात उनसे मिलने जाने के लिए श्री भरत जी ही गए हैं पहले व्यक्ति हैं परिवार के जो उनसे मिलने गए हैं वनवास के बाद तो जैसे ही वो जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करते हैं तो उसके बाद श्री राम इतने ज़्यादा विवेकी हैं कि उनको पता है कि किस समय कौन सी बात करनी चाहिए तो इस समय वो कोई पीछे की बातों को रिपीट करके और फिर से दोबारा माहौल को कोई ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं। दुखदाई बल्कि अभी अभी उनके दिमाग में ये है कि ये राज्य अभिषेक के बाद मेरे से आशीर्वाद लेने आए हैं तो मुझे आशीर्वाद देने चाहिए और राजनीति के बारे में जो मैं जानता हूँ वो चर्चा करनी चाहिए तो ये तुरंत प्रणाम के बाद अगले ही क्षण से उसी उपदेश को शुरू कर देते हैं पीछे की कोई बात नहीं करते हैं तो ऐसे मतलब हम ये भी सीख सकते हैं रामायण से कि जैसे मानो किसी व्यक्ति से के प्रति हमारे मन में कोई नाराजगी हो गई वैसे इनके मन में तो कोई नाराजगी थी नहीं भरत जी के प्रति लक्ष्मण जी के मन में थोड़ी है और फिर यदि वो व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उस व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखते हैं जब कभी हम नाराज़गी के कारण उससे अलग हुए थे और उसमें हो सकता है महीना दो महीना छ महीना एक वर्ष पाँच वर्ष बीत गया हो और हो सकता है उस व्यक्ति ने कुछ सुधार भी कर लिया हो तो हम लेकिन उससे मिलते हैं वो ही पिछली उस छवि को लेकर के और फिर उससे कुछ निकलता नहीं है फिर दोबारा वही सिचुएशन बनती है जहां से हम अलग हुए थे तो इसलिए महापुरुषों का ये भी कहना है कि वर्तमान में जीना चाहिए साधक को और वर्तमान में जीने का मतलब है आज जो परिस्थिति है आज जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग बात करना और मानो इससे उल्टा हो कि पहले कोई व्यक्ति बहुत अच्छा था अत्यंत धर्मात्मा था योगी था जब हमारे से अलग हुआ और आज वो बहुत नीचे चला गया उसने साधना करना छोड़ दिया उसने सजग रहना छोड़ दिया तो अब उसकी एक अलग ही छवि बन गई है और सब लोग आके हमें भी बताते हैं कि वो जो आपके मित्र थे या आपके संबंधी थे या शिष्य थे तो उनके बारे में तो ऐसे ऐसे सुनने को मिल रहा है लोग ऐसे कह रहे हैं और फिर कुछ दिन के बाद जब वो व्यक्ति हमसे मिलने आई तो फिर उस व्यक्ति से वर्तमान वाली छवि के साथ नहीं मिलना चाहिए फिर उससे पुरानी वाली छवि के साथ ही मिलना चाहिए तो ये बात श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज जो बहुत बड़े एक योगी संत हुए इस युग के तो वो बताते थे कि भाई मैं अपने हृदय में किसी भी व्यक्ति की एक बहुत अच्छी सी छवि बना के उसको स्कैन करके रखता हूँ जो भी मेरे से मिलते हैं तो मैं उनके दोषपूर्ण छवि को नहीं रखता अपने हृदय में और फिर उस छवि को मैं तब हटाता हूँ वहाँ से जब कोई उससे अच्छी छवि बन जाएगी उसकी उससे ऊंची स्थिति हो जाएगी तो फिर मैं उसको हटा के ऊंची वाली लगा लूँगा और उससे पहले यदि उस व्यक्ति के बारे में आकर के कोई मेरे से शिकायत करेगा तो मैं शिकायत वाली छवि चेंज नहीं करता हूँ उसकी क्योंकि उससे मेरे हृदय को पीड़ा हो जाएगी तो मैं अच्छे वाली छवियों को ही अपने हृदय में रखता हूँ ऐसे वो बताते थे तो ऐसे श्री राम भी वर्तमान में जी रहे हैं कि आज क्या प्रसंग है आज ये इतने उत्साह से इतने भाव से इतने चाव से मेरे से आशीर्वाद लेने आए हैं और आज मैं इसको वही पुरानी वाली बातें सुना करके दुखी कर दूं तो फिर ये व्यवहार का दोष माना जाएगा कोई व्यक्ति किस भाव से आया है आज तो कम से कम अच्छे भाव से आया है ना मानो पहले कभी किसी ने कष्ट भी दिया और फिर हम कहते हैं कि आज कैसे आ गए आप इतने दिन से तो कभी याद आई नहीं आपको हमारी आज कैसे आ गई आज कैसे हमारे प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो गया तो फिर वो आने वाला व्यक्ति सोचता है कि इतनी हिम्मत करके तो इनके पास आई थी और आज भी आते ही फिर इन्होंने वो ही शुरू कर दिया तो फिर वो उससे अगली बार नहीं आएगा मिलने के लिए ये श्री राम से हम सीख सकते हैं तो आज गुरु नानक जयंती भी है और रामायण तो हम पढ़ेंगे ही लगभग 600 सौ साढ़े छे वर्ष पहले आज ही के दिन एक भगवान के पूर्ण अवतार के रूप में गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ इस धरती के ऊपर और अनेकों अनेकों उनके जीवन की चमत्कारिक घटनाएं देखने को सुनने को मिलती हैं तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कभी ऐसी जो आत्माएं हैं उनके लिए तो फिर अलग ही लोगों का वर्णन किया गया है योग दर्शन के विपूति पाद के Uh, सूर्य संयमत भवन जानम इस सूत्र में जो वर्णन किया है वहाँ चौदह भवन जो बताए हैं तो ऊपर वाले जो पांच भवन हैं वो ऐसी ही आत्माओं के लिए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होके महेंद्र लोक और उसके बाद नहीं ब्रह्म तो बाद में आएगा ना महेंद्र के बाद ओम महा ओम जनह ओम तपह ओम सत्यम तो ये लोक हैं उनकी उनका जो रहन सहन उस लोक में रहने वाले योगियों की आयु तो ये सब उससे मिलती हैं जैसा हम योगियों के बारे में सुनते हैं प्राय लोक में तो उस उनके बारे में वहाँ पर ये बताया है कि वो बिना किसी रोक टोक के कोई भी उनसे मैत्री साधना चाहता है तो वो तीनों लोकों में या चौदह भुवन में कहीं भी आ जा सकते हैं ये उनके लिए प्रावधान होता है उन योगी आत्माओं के लिए और वो किसी की भी हेल्प कर सकते हैं तो इसलिए हमें ऐसे अवसरों के ऊपर फिर उन दिव्य शक्तियों का आह्वान करना चाहिए अपनी सहायता के लिए वैसे तो कभी भी कर सकते हैं क्योंकि उनको जन्मदिन निर्वाण दिन ऐसे उससे कोई लेना देना नहीं होता वो मुक्त हो चुके होते हैं लेकिन हम मनुष्यों की भावनाएं किसी खास दिन में ज़्यादा उन्नत होती हैं होली को दिवाली को गुरु पूर्णिमा को रक्षाबंधन को ऐसे पर्व के दिन थोड़ा हमें लगता है आज पर्व है तो आज पर्व है तो आज ये ये चीज़ें नहीं करनी है झगड़ा नहीं करना दुखी नहीं होना निराश नहीं होना हताश नहीं होना ऐसे ऐसे नहीं होना खुश रहना है दूसरे को भी सुख देना है दूसरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना है ऐसे ऐसे हम बना लेते हैं अपना एक माइंड तैयार कर लेते हैं कि आज गुरु नानक जयंती है आज पूर्णिमा है तो फिर उनको लाभ होता है तो चलो कोई बात नहीं आलंबन से या किसी भी बहाने से ही सही तो जब भी थोड़ा कल्याण हो भला हो हित हो हमारा तो वो करने में कोई बुराई नहीं है और जैसा चिंतन करते हैं हम जैसे मान लो महापुरुषों के जीवन के बारे में चिंतन करते हैं तो कम से कम अपना जो मन है वो तो फिर थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट होता ही है ना ऊंचा सोचता ही है नीचे निम्न विचारों से ऊपर उठ करके तो चिंतन भी अच्छा ही होना चाहिए अच्छा चिंतन भी हमें आगे बढ़ाता है तो उनके जीवन के बारे में पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए चिंतन मनन करना चाहिए तो उससे अपने को लाभ ही होता है तो ये बात थी और कल जो है इन्होंने मुख्य रूप से जो हमने पढ़ा था तो श्री राम कृषि को और वाणिज्य को इन दो को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं तो इसके बारे में उन्होंने श्री भरत जी से बताया था कि ये लोग जो हैं ये सुख से रहते हैं कि नहीं आप उनके सुख की उसके सुख का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये केवल अपने सुख का ध्यान रखते हैं तो राजा का ये फर्ज होता है कि वो अपने सुख का तो कम ध्यान रखे और दूसरों के प्रजाजनों के सुख का अत्यधिक ध्यान रखे और श्री राम खुद भी ऐसे ही जीते थे मतलब उन्होंने प्रजा के सुख के लिए सदा अपने सुखों को तिलांजलि दी सदा उनको कुर्बानी दी उन्होंने उनका सुख वन जाने में नहीं था माता पिता की सेवा करने में था लेकिन लोग उनके पिता को असत्यवादी ना कहें लोग में अपने पिता की का वादिता को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने दुख को गले लगाया और दूसरों को सुख दिया तो जो मैं श्रद्धे स्वामी जी महाराज की बात कर रही थी पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज की बात तो वो भी यही दो ही बात कहते थे ज्यादातर महापुरुष दो ही बात कहते हैं जैसे गुरु नानक जी से भी पूछा ना कि भाई क्या करें जीवन में आपके जीवन का सार क्या है निचोड़ क्या है तो वो कहते थे नाम जपो कीरत करो सेवा करो और खुद भी ऐसे ही जिया उन्होंने ना कभी उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया लेकिन वो अपने आप में इतने पूर्ण अवतार थे कि लास्ट समय में मतलब किसी एक धर्म के नहीं थे वो तो उनको हिंदू भी उतना ही ज्यादा प्रीति करते थे और मुस्लिम भी इतना ही ज्यादा प्रीति करते थे और उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में वो 25 साल तक घूमते ही रहे सब तीर्थों में हिंदुओं के मुसलमानों के जो जो भी तीर्थ स्थान हैं और वहाँ वहाँ से जो जो उनको सबसे अच्छा लगा उनको एक ग्रंथ में पिरो दिया उसका नाम हो गया गुरु ग्रंथ साहिब और गृहस्थ थे उनके बेटे भी थे दो और फिर उनके बेटे भी महायोगी पैदा हुए उनसे एक अलग संप्रदाय आज बहुत बड़ा संप्रदाय चलता है जो उनके पुत्र थे वो श्री श्री चंद्र बड़े वाले तो उन्होंने भी दो ही बातें बताई और मैं जिनकी बात कह रही थी पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज तो उनसे पूछा किसी ने कि जी जीवन का सार क्या क्या करना चाहिए हमें तो वो कहते थे सेवा और सुमिरन सेवा करो और सेवा करते हुए उसका सुमिरन करते रहो अंदर से हमेशा उसके साथ रहो और बाहर से जो आपका कर्तव्य है कर्तव्य कर्म आश्रम धर्म के अनुसार वो सेवा करो आप तो बोल जी ये सेवा क्या है नाम ये तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी नाम का हम सिमरन करते रहें जो हमें अभिष्ट है सेवा क्या है तो बोले सेवा है अपनी ही इच्छा से दूसरों के दुखों को गले लगाना इससे सरल कोई परिभाषा हो नहीं सकती है ये कोई अच्छे शब्द पिरोए हों उसको बहुत क्रिटिकल बनाया हो टेढ़ा मेढ़ा बनाया हो ऐसा नहीं परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबको बहुत अच्छे से समझ में आए नहीं तो कुछ लोग शब्दों को इतना क्रिटिकल बना देते हैं कि जब वो लेख लिखें या भाषण दें तो दो चार के अलावा सबके सिर के ऊपर से ही जाए इसका कोई फायदा ही नहीं है आपके उपदेश का या आपके लेख का मतलब है कि किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी उच्च चेतना के साथ आप उनको शेयर कर सकें उनके साथ जोड़ सकें उच्च चेतना के साथ उनको आप वो होता नहीं है तो उन्होंने परिभाषा की सेवा की अपनी इच्छा से दूसरों के दुखों को गले लगाना तो सेवा होती है भैया तो हमें किसी ने कहा थोड़े ही था कि इनके दुखों को आप इनके दुखों से दुखी होना अपनी इच्छा से लगाया था तो फिर उनके दुख दूर करने में बर्डन नहीं होता अच्छा ही लगता है क्योंकि हमने खुद उसका चयन किया था अब श स्वामी जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों के जो दुखी हैं बेचारे परेशान होके आते हैं यहाँ पे और जब वो उनसे मिलते हैं तो दुखी नहीं होते ये रोगी हैं देश भर में कि इनका तो तांता ही लगा रहता है टूटता ही नहीं है तो मेरे पास स्वस्थ व्यक्ति कब आएंगे रोज़ रोज़ मेरे को इन रोगियों से से ही मिलना होता है तो योगियों कब मिलेंगे ऐसा उनके मन में नहीं आता वो उनमें भी अपने भगवान को ही देखते हैं क्योंकि ये योग पीठ और ये सेवा पद्धति उन्होंने अपनी ही इच्छा से शुरू की थी या तो रोगियों को सुख देना है उनकी हमें सेवा करनी है तो फिर उसमें उनको बुरा नहीं लगता है। तो अपना कोई भी फील्ड हमें अपनी रुचि से चुनना चाहिए जो हमें अच्छा लग रहा है और फिर एक बार चुना तो उसमें बाधाएं आना बिल्कुल स्वाभाविक है आती ही हैं आनी ही चाहिए और कम से कम साधकों के जीवन में तो जरूर ही आनी चाहिए नहीं तो परीक्षा कैसे होगी साधना की क्योंकि जब जब बाधा आती है ना तब तभी व्यक्ति की साधना बढ़ती है उससे पहले बढ़ती ही नहीं है तो इसीलिए कहा गया है निंदक नियरे राखी क्योंकि नहीं तो आ, हमारी वो निंदा नहीं करेंगे हमारी साधना नहीं बढ़ेगी इसलिए कुंती माता बोलती थी कि कोई ना कोई कष्ट जीवन में बने ही रहना चाहिए ताकि मेरा हरदम ध्यान भगवान के चरणों में रहे ये संसार के दुख हैं ये तो सुख है दुख है आने जाने वाले हैं तो इनको हम ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं ज्यादा महत्व तो हम देते हैं कि हमारा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे तो वो जिस भी उपाय से लगे तो यदि वो दुख के कारण लगता है तो फिर दुख भी ठीक ही है सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे ऐसे बोलता है साधक क्योंकि उसमें ज्यादा उसकी याद आती है दुख के समय और फिर जब ये सोच लिया व्यक्ति ने 24 घंटे जो एक भय बना रहता है हमें किसी अनागत दुख का वो भी दूर हो जाता है भाई सुख आएगा तो उसका शुक्र गुजार कर देंगे दुख आएगा तो फरियाद कर लेंगे दोनों ठीक है एक में कृतज्ञता ज्ञापित कर देंगे एक में प्रार्थना कर लेंगे तो प्रार्थना भी अच्छी है कृतज्ञता भी अच्छी दो ही बातें तो यहाँ पर श्री राम भरत जी को कह रहे हैं कि भाई आप राजा हो तो तुम दूसरों की खुशियों का दूसरों के सुखों का भी ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं तो राजा बन गया और अब प्रजा अपने ढंग से चले मैं तो अपना राज सुख मुझे भोगना है बहुत सुंदर हैं ये दोनों ही जो श्लोक हैं तीस और इकतीस निशान लगाया था आपने कल सर्वे विषयवासी न राज्य रक्षा धर्मेण धर्म पूर्वक आप उनकी रक्षा करना ये राजा का धर्म है अधर्म का पालन भी नहीं करना दूसरों के सुख के लिए बोल दे हमने तो ना ये इसलिए थोड़ा सा हिंसा कर दी थी कि इस व्यक्ति को सुख मिलेगा हमने तो इसलिए थोड़ा असत्य बोल दिया कि ताकि इन लोगों को कष्ट ना हो तो यहां विशेषण लगा दिया धर्मेण धर्म पूर्वक धर्म का भी परित्याग नहीं करना और दूसरे को सुख भी देना तो कहीं कहीं थोड़ा कठिन पड़ जाता है रोज तो कठिन नहीं होता है पर कभी कभी किसी परिस्थिति में कठिन पड़ जाता है तो जब कठिन पड़ जाता है तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जी ये एक पहाड़ जैसी एक बाधा आ गई बीच में इसको उलांघ सकूं तो इसकी शक्ति दो क्योंकि रुकना ये, ये मेरा लक्ष्य नहीं है ये पहाड़ी ये बाधा ये तो मेरा लक्ष्य है नहीं मेरा लक्ष्य तो आप हैं और मेरे दिमाग में रोजाना यही चल रहा है तो मेरा मस्तिष्क यहाँ आ करके अटक गया है जब किसी विषय का बार बार हमारे मन में चिंतन होने लगे किसी बाधा का राग युक्त होकर या द्वेष युक्त होकर दो ही स्थिति में मन ज्यादा लगता है या तो उस व्यक्ति का ज्यादा चिंतन होता है व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का जिससे हमारा राग है या फिर उसका ज्यादा चिंतन होता है जिससे हमारा द्वेष है तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन दोनों से आगे थोड़ा बढ़ सकूं तो इनको थोड़ा कम कर दो बोना कर दो राग और द्वेष को न कि उन व्यक्तियों को हटा दो जिनसे राग द्वेश है राग वाले को तो खैर नहीं हटाना चाहता उसकी तो प्राप्ति की इच्छा करता है व्यक्ति और द्वेश उसको हटाना चाहता है बीच में से तो वो हटेगा नहीं क्योंकि उसको भी तो भगवान ने किसी निमित्त से ही बनाया होगा ना वो हटेगा नहीं और हम वहीं अटक जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो रोजाना वही शिकायत वही निंदा वही चुगली वही परेशानी तो उससे फिर हमारा टाइम खराब होगा और संस्कार भी बन जाएंगे और एनर्जी भी नष्ट होगी तो इसलिए प्रार्थना क्या करनी चाहिए भगवान से इससे पार ले चलो ये बाधा है यहाँ द्वेष बना हुआ है अटक अटक रहे हैं यहाँ पर कदम तो इसके पार इन दोनों का ही प्रभाव ना पड़े ऐसा भी तो कुछ हो सकता है तो ऐसे गुरु नानक देव जी जीते थे ऐसे श्री राम जीते थे तो यहाँ ये भरत जी को एक एक छोटी छोटी बातें जो इन्होंने तेरह नंबर श्लोक में बताई थी ना लघु मूलम महोदयम वो सारा उपदेश चल रहा है मूल में लघु लगती है बातें छोटी छोटी लगती हैं ये लेकिन इनका उदय महान होता है ये ही जीवन में महान फल लाने होते, वाले होते हैं तो हमारा एक एक कर्म हमारा चिंतन हमारा कथन कथनी करनी और मनन करना ये सब एक एक क्षण को मिलाकर के ही संपन्न होता है एक एक क्षण को मिलाकर के एक दिन का बन जाता है चिंतन मनन व्यवहार आहार विहार एक एक दिन को मिला करके एक सप्ताह का बन जाता है सप्ताहों को एक एक सप्ताह को मिला के महीनों का बन जाता है एक एक महीने को मिला के एक साल का बन जाता है एक एक साल को मिला के जीवन भर का बन जाता है वो ही कर्माशय है तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो है क्षण क्षण तत्क्रमय संयमात विवेक जम ज्ञानम तो इतना तो स्पष्ट बता दिया महर्षि पतंजलि जी ने कि एक एक क्षण और उसके क्रम में आप संयम करो संयम का मतलब है धारणा ध्यान समाधि और धारणा ध्यान समाधि के लिए चित्त कैसा होना चाहिए एकाग्र तो हर गुजरते हुए क्षण को कैसे जी हम बिल्कुल सावधान निर्लिप्त पवित्र हृदय होकर के राग द्वेष से मुक्त होकर के और पूरी सजगता के साथ तो फिर धीरे धीरे हमें विवेक ज्ञान होने लगता है ऐसे ही होती है उसकी उत्पत्ति ये कल्पनाएं बिल्कुल असत कल्पनाएं हैं कि जी हम तो यहाँ से कहीं गंगोत्री जाएंगे किसी गुफा में जाएंगे हम वहाँ ध्यान लगाएंगे पहाड़ पे बैठेंगे आँख मोंदेंगे ये बिल्कुल असत कल्पनाएं हैं और कई लोगों को तो मैंने देखा जो ऐसी ऐसी कल्पना कर रहे थे वो कहीं के कहीं ही पहुंच गए इस मार्ग को छोड़ के वो कहीं दूसरे दुनिया में चले गए तो कई बार सोचते ये तो गंगोत्री में जाने की बात करते थे गुफा में जाके समाधि लगाने की समाधि लग कहाँ गई तो समाधि तो भाई एक एक क्षण में ही सिद्ध करने की चीज है एक एक क्षण में ही योग को जीने का विधान है अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह शोच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये तो हर क्षण जीने की चीज है ये कोई पार्ट टाइम जीने की चीज तो नहीं है लेकिन हर क्षण जीने के लिए पार्ट टाइम भी अभ्यास करना होता है क्योंकि जब पार्ट टाइम भी नहीं हो रहा है तो हर क्षण तो होना फिर बहुत दूर की बात है दिल्ली दूर है फिर तो, तो कुछ लोग फिर इसको पकड़ लेते हैं बोल जी हमने तो ये सुना था कि हर क्षण योग करना चाहिए तो फिर अलग से क्या योग करना एक घंटा हमने तो सुना था अष्टांग योग का पालन भक्ति भाव सिमरन ये जो है ये तो हर क्षण होना चाहिए तो हमारे तो सारे कर्म ही योग ही हैं तो अलग से हमें ध्यान करने की भजन करने की संध्या हम करने की क्या जरूरत है हमारा तो जीवन ही यज्ञ है तो ये फिर मन का चालाकपना है बचने वाला भाव है ये ये मन का कामचोरापन है कामचोरा हंडोरा और चटोरा कभी सफल नहीं होते तो यही कामचोरापन है भाई जिस समय ये आएगा रामायण में श्री राम बताने वाले हैं कल आएगा शायद भरत जी को बोलते हैं भाई तुम धर्म के समय में कभी काम की बात तो नहीं करते हो धन बढ़ाने की और धन बढ़ाने के समय धर्म की बात तो नहीं करते हो या दोनों को हटा करके कामनाओं को पूरा करने में दोनों की अवहेलना तो नहीं करते हो तो ये गलत है राजा के लिए भी तो सन्यासियों की तो आप सोचो क्या कथा होगी फिर ये उपदेश श्री राम एक राजा को दे रहे हैं कि धर्म के समय धर्म के ही काम करना मतलब पार्ट टाइम का भी अपना बहुत महत्व है पार्ट टाइम ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो फिर फुल टाइम उसका चिंतन मनन बना रहेगा और फुल टाइम चिंतन मनन बना रहेगा तो ही पार्ट टाइम सक्सेस होगा नहीं तो बैठे रहे आंख बंद करके और जब खुली तब वो के वो वे निकला क्या फिर उससे आपने किया क्या इतने दिन आंख बंद करके वैसे के वैसे ही हो आप तो कुछ तो चेंज तो हुआ नहीं तो वो चेंज होने के लिए पार्ट टाइम भी स्ट्रोंग होना चाहिए और पार्ट टाइम को स्ट्रोंग करने के लिए फिर हर क्षण उससे गुजरना होता है हर क्षण चिंतन मन वही लक्ष्य वो ही अपना सामने होना चाहिए तो फिर बात बन पाती है तो पीछे के पार्ट से कुछ पूछना है आपको फिर आगे चलेंगे कोई प्रश्न है किसी का जी एक तो लौटे अभी हरिद्वार में बाकी तो घूम रहे हैं अभी राजस्थान दक्षिण भारत में गुजरात में नाम माताश्री जी माताश्री जैसे आपने कल किसान के माध्यम से एक साधक के पूरे जीवन को हमको समझाया था ऐसे ही सफलता और विफलता का जो ये पाठ चल रहा है पीछे की कक्षा में आपने बताया था कि आप में से कुछ सफल हो गए कुछ असफल हो गए लेकिन माता जी मेरा विचार आया कि जैसे कि हम वैदिक ऋषि योग ऋषि और कर्म योगी त्रिगुणातीत ऋषि की संतान मतलब शिष्य है तो हम तो गुरु ने ऐसा कोई संकल्प है ही नहीं जो छोड़ दिया हो इस विश्व का हम तो उनके संकल्प पे उनके लक्ष्य के पीछे अपनी आहुति देने आए हम असफल कैसे हो सकते हैं बहुत अच्छा विचार है आपका कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है कि भाई आपने कहा कुछ सफल होंगे कुछ असफल होंगे तो यहाँ तो असफलता की कोई बात ही नहीं है सारे के सारे क्या होंगे सफल ही होंगे तो आपकी मानसिकता जो है जो अर्जुन ने पूछा था ना श्री कृष्ण से कि जी कहीं ऐसा ना हो आप मेरे को संसार से भी छुड़ा दो और ये योग में लगा दो योग में मैं सफल ना हूँ संसार वैसे छूट गया तो हम तो ना इधर के रहे ना इधर के रहे ऐसा हल ना हो जाए कहीं मेरा फिर क्या होगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तू एक कदम भी चलेगा वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा ठीक है हो सकता है आप लक्ष्य को प्राप्त ना कर सको ये तो हो सकता है पर आप दो कदम चार कदम दस कदम जितना भी इस मार्ग में बढ़े तो वो सदा सदा के लिए आप उतना बढ़ गए अब दोबारा उस पर नहीं चलना पड़ेगा आपको आपकी अगली यात्रा वहीं से प्रारंभ हो जाएगी अगले जन्मों में तो ऐसे ही योगियों के घर में आप पैदा होंगे कुल खानदान में ताकि वहां से वो यात्रा प्रारंभ करना सरल हो तो मैंने भी उसी प्रकार से कहा था मतलब तो ये तो मैं कभी नहीं मानती हूँ ये तो मैं रोज ही बताती ही हूं कि आप में से प्रत्येक आत्मा में एक सामान्य जो संस्कारों का स्तर है उससे आगे तो आप बढ़ ही चुके हैं तभी आप यहाँ आए हैं तो इतना तो मैं मानती हूँ कि हर आत्मा में ही है वो संस्कार अब उससे आगे वाला जो रास्ता है उसमें यदि हम आलस से प्रमाद करेंगे तो फिर ये लक्ष्य नहीं मिलेगा मतलब बीच में अटक जाएंगे हम और यदि आलस्य प्रमाद आदि नहीं करेंगे और रोज उसी का चिंतन करेंगे और उसके लिए पुरुषार्थ भी करेंगे और हमेशा ऐसी ही पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी ऐसे ही मिली है सबको तो हम सबको भी मिलेगी तो उतना ही मेरा अभिप्राय था मेरा यही अभिप्राय था कि भई आप आप में से कुछ यदि नहीं करते हैं आलस्य प्रमाद में रहते हैं सुनान-सुना करते हैं यदि तो अवसर तो दोनों को एक ही जैसा मिला एक ही जैसी कक्षा चलती है एक ही जैसा गुरुकुल है एक ही जैसा खाना है एक ही गुरु हैं, तो सब कुछ सुबह से शाम तक एक ही जैसा मिल रहा है लेकिन तो भी रिजल्ट में अंतर तो आता ही है वो तो हम जैसे सामान्य परीक्षाएं लेते हैं उसमें भी देखते ही हैं ना सबके लिए एक ही गुरु पढ़ाते हैं सब कक्षाओं में एक ही जैसा सिलेबस है लेकिन फिर भी रिजल्ट तो भिन्न भिन्न आते हैं तो कोई सामान्य मार्क्स लेके पास होते हैं कुछ बीच में होते हैं कुछ उत्कृष्ट होते हैं